हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सारे फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग टाइम में बाहर में देख रही थी कि बारिश हो तो नहीं रही है, और यहाँ वही हाल हुआ जो कल हुआ था। मैं रिकॉर्ड तो करी थी, अपनी वॉइस दी थी, बट जब मैं एडिटिंग करने जा रही हूँ तो यहाँ पे वॉइस ही नहीं है। बहुत बुरा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने सारा कुछ जब मैं ऐसे करके देखती हूँ, रिकॉर्ड तो होता है बट जब मैं एडिटिंग करने जाती हूँ तो यहाँ पर वॉइस नहीं था। पता मैंने क्या क्या बात किया था आप लोगों से, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, तो फिर मैं उस चीज़ को क्या बताऊँ। स्पर्श अभी साइड में यहाँ पे सोफे पे बैठा हुआ है, और जब मैं नहा के आई हूँ हेयर मेरे गीले हैं, टॉवल से बांध रखी हूँ, तो अभी सोच रही थी कपड़े बाहर डालूँ बट बारिश हो रही है वही। और यहाँ पे आप लोगों से बात करते करते मैं मोबाइल पे कॉल आ गया था, तो फिर मैं ब्लॉगिंग छोड़ दी और उसके बाद मैं अभी चली गई थी एक पार्सल लेने के लिए। एंड ये काफ़ी बड़ा था, वो भैया से मैंने बोला कि प्लीज़ आप ऊपर रख दो, बट वो नहीं रखे। फिर मैं नीचे से जैसे तैसे लेके आई हूँ, और ये काफ़ी बड़ा था तो मैं इसको बाद में ओपन करूँगी और आगे मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि क्या है इसमें। आज मैं इसमें आप लोग गेस करना कि इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा था लाने में, मुझे बहुत मतलब प्रॉब्लम हुई नीचे से, और कोई था भी नहीं कि मैं जिसको बोल सकूं कि आप ऊपर थोड़ा सा रख दो। तो उसके बाद यहाँ पे मैं लंच कर रही थी, और मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है। स्पर्श को मैं दी थी तो रोटी उसकी ख़त्म हो गई है, बट बनाना की सब्ज़ी उसको बहुत पसंद है। सरसों मसाला वाली सब्ज़ी बनाई थी तो वो ऐसे भी खा लेता है, तो वही मैं लेके मैं बोली पूरा फिनिश कर दो। देन मैं अभी किचन में आई हूँ इसको रखने के लिए प्लेट को, और स्पर्श को बोली कि आप हैंड वॉश कर लो, तो हैंड वॉश वो ना जैसे तैसे कर लेता है। बार बार मेरे को बोलना पड़ता है कि हैंड वॉश सही से करो। कई बार ऐसा होता है ना कि बस ऐसे हैंड में पानी डाल डाल के और भाग जाता है, फिर मैं देखती रहती हूँ, हमेशा वैसे ही करना पड़ता है उसको ना, देखना पड़ता है कि उसने सही से किया है कि नहीं। फिर मैंने बोला ना कि फिर से हैंड वॉश करो, तो फिर अभी वो जा रहा है थोड़ा करने के लिए। उसको पता है कि हाँ मामा डांटेगी, और ये डोर ओपन रह गया था तो इसको मैं अभी बंद करूँगी। और अभी किचन में वो गया है कुछ चेक करने के लिए कि कुछ तो मिल जाएगा फिर से। तो उसको ना स्वीट्स बहुत पसंद है आजकल। जस्ट जितने हाथ से कपड़े वॉश किए थे ना, सब मैं यहाँ पे ले रही हूँ, क्योंकि मैं ना बकेट में ऐसे ही डाल देती हूँ। और इनके भी कुछ कपड़े हैं बाथरूम में पहले से पड़े हुए हैं, तो ये सब भी मैं ले जाऊँ। टाइम के हैं इनके, मैं सोची कि सब एक ही साथ डालूंगी। धूप नहीं निकली, वेट करते करते आधे घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ मास्क भी वॉश की थी, मास्क वॉश करके यहाँ में लगाई थी। चलो आ जाओ, बाहर आना है स्पर्श, बैठ के फाड़ रहा है, आओ। और अभी थोड़ी थोड़ी ना बारिश हो रही थी, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि काफ़ी देर वेट करने के बाद फिर मैं कपड़े लेके आई हूं बाहर डालने के लिए, फिर अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं डाल पाऊंगी। वही है ना कि अगर डाल दी तो फिर मेरे को उसको पानी से वॉश करना पड़ेगा, फिर सुखाना पड़ेगा, यही मेरे साथ ना फिर दोबारा मेहनत मेरी हो जाएगी। और अभी होने लगी है बारिश, कपड़े मैं सोची डाल दूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी ना रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। और कल वाला प्लांट्स मैंने आप लोग को दिखाया नहीं, ये देखिए ये वाला रबर प्लांट जो कल लेके आए थे यहाँ पे इन्होंने लगा दिया है, और सेम हम इसमें का आर्टिफिशियल प्लांट ढूंढ रहे थे। और साथ में ये जो भाभी जी लेके आई थी ना, ये इसमें मैं हमने साइड में लगा लिया, अभी मैं आज ऑर्डर करूँगी, आज या कल ऑर्डर करूँगी उसको, तो ये बड़ा हो जाएगा तो आई थिंक ना बहुत अच्छा लगेगा। और जो प्लांट्स है इन्होंने इधर लगाया है, ये छोटे वाले पॉट में ना 10 o'clock, ये देखिए फ्लावर भी आ गया इसमें फ्लावर आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। ये कैसे निकल गया मिट्टी में ना, मिट्टी में लगा दूंगी तो वैसे पता है इसमें ना जड़ इतनी मजबूत मजबूत है कि सूखने के कोई चांस नहीं है, बट सूख जाए तो क्या होगा। एलोवेरा में एक तुलसी माता भी निकल आई है, इसमें देखिए स्पर्श, ये देखो, और इसमें देखिए ये वाला भी ना फ्लावर आ गया है, कल ही लगाया हम लोगों ने और ये फ्लावर आ गया है इसमें भी, और ये वाला इसमें लगा दिए। क्या हुआ, नहीं डालूंगी, थोड़ी इधर ही बाहर ही छोड़ दे रही हूँ बकेट को मैं, और बारिश खत्म हो जाएगी तो मैं डालूंगी, नहीं तो फिर, क्योंकि इतना मतलब ना गीला वाला कपड़ा है ना हाथ से धोया हुआ है, तो इसको मैं अंदर नहीं डाल सकती, वहां पानी टपकने लगेगा। देखिए नहीं आ रहा है उधर से घूमने दो, स्पर्श की साइकिल, साइकिल स्पर्श, आपकी साइकिल,
यस आओ मम्मा चलाते हैं और आप भी आ जाओ। बट हवा नहीं है। चलाओ चलाओ हवा नहीं है। अरे पीछे वाले में कभी निकल गया स्वॉश, आगे वाले में तो बिल्कुल नहीं, पीछे का भी चलो। और ये वाला पार्सल मैंने अभी भी नहीं खोला है, थोड़ी देर बाद खोलूंगी। पहले तो मैं सोच रही हूँ कि लंच बना लूँ, लंच बनाने में टाइम लगेगा। दाल रख देती हूँ, दाल चावल बना लेती हूँ। किचन में ट्राईपॉड रखने की ही बहुत झंझट है, रख ही नहीं पाती लाइट। और लंच बनेगा तब तक उससे पहले स्पर्श को भूख लगी है तो मैं उसको एप्पल भी दे दूंगी शेक के। शाम को देखूंगी, दही मंगाऊंगी, दही नहीं है। खाना बनाना है, इसमें क्या है, इसमें सब्जी है, दूध है, दो पतीले में दूध है। कहाँ जा रहा है लड़का। जूस निकालती हूँ, स्पर्श को एप्पल दे देती हूँ और मैं जूस निकाल कर पी लेती हूँ। वो तो आपको कभी लेना ही नहीं, वो मेरा उसकी वजह से ही मैंने लिया। और मिक्सर ग्राइंडर भी मेरा सही नहीं निकला था। अभी वाला जो मैं मिक्सर ग्राइंडर यूज करती हूँ वो बहुत अच्छा है। और ये जूसर तो ना ऑनलाइन भी मिल जाता है, बट मैं लोकल मार्केट से लिया था, बहुत अच्छा है। मतलब मौसमी का जूस, ऑरेंज का जूस, अनार का जूस, ये सब ना आप बहुत इजिली निकाल सकते हो, मेहनत ज्यादा नहीं लगती है। और बाकी जो होता है ना साफ करने में ही हमारा इतना टाइम उसमें लग जाता है कि पूछो नहीं। दिखा देती हूँ कि एक ग्लास पूरा तीन ना मौसमी से जूस निकला है। और देखिए इस तरीके से ये पूरा खाली हो जाता है, पूरा इसको दो तीन बार घुमा के आप निकालो, पूरा ये खाली हो जाएगा। देखिए कहीं से भी लग रहा है, बहुत अच्छे से निकल जाता है इसका जूस। तो मुझे लगा स्पर्श जूस नहीं पिएगा, एक ग्लास में से ही हम दोनों को बंटवारा करके लेना पड़ा। और अभी कपड़े, अभी बारिश हो नहीं रही थी तो मैं आ गई कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि हवा भी लग जाए ना थोड़ी सी, इसका पानी भी निकल जाए तो मैं फिर आंगन में भी डाल दूंगी। तो स्पर्श के और मेरे ही कपड़े थे इसमें। और उसके बाद हवा भी देख रहे ना चल रही थी, उसके बाद मैं इसको अनबॉक्स कर रही हूँ। बट आगे मैं आपको दिखाऊँगी कि इसमें क्या है, मतलब आगे के ब्लॉग्स में। तो मैंने कुछ मंगाया है इनके लिए, मंगाई हूँ मैं। उसके बाद ये आ चुके थे ऑफिस से, लेके आए हैं समोसे नहीं, ये शाम को लेके आए हैं। स्पर्श बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था स्वीट्स के लिए, तो ये ना अंधेरा हो चुका था अभी, अब भी ये लेके आए हैं समोसे और स्वीट्स। बर्फी, थैंक यू। सोन पापड़ी जैसा लग रहा है ना।
और अभी हो चुकी है रात और हमारा डिनर भी हो चुका है। कुछ मैंने उसका रिकॉर्ड नहीं किया था। स्पर्श अभी कर रहा पढ़ाई और ये इनका अपना लैपटॉप पे काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्पर्श लिख रहा है चार अक्षर वाले जो शब्द होते हैं ना, अजगर, और आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मुझे दिख नहीं रहा अभी एडिटिंग के टाइम। तो ये अपना होमवर्क बना रहा था और मैं इधर ना लेटी थी, मुझे अब नींद आ रही। आज बनाई हूँ खिचड़ी, प्लेन खिचड़ी बनाई हूँ क्योंकि खिचड़ी खाने का मन हो रहा था। और अभी फ्राई करने जा रही हूँ मैं चिप्स। दोपहर किसे आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, ये रहा चिप्स, और ये वाली चिप्स भी फ्राई करूंगी थोड़ी सी, और वो भी करूंगी साथ में। कद्दू की सब्जी बनाई थी मॉर्निंग टाइम में, वो सब्जी है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दिया है फ्राई करने के लिए, ऑयल गर्म हो रहा है। और ये देखिए स्पर्श को क्या खाना है, स्पर्श चिप्स खाना है, इनका फेवरेट है चिप्स। कौन दिया है चिप्स, ये वाला चिप्स कौन दिया है, याद है आपको ये चिप्स कौन दिया है, याद है? पापा नहीं दिए, नानी दी है, नानी, हाँ नानी दी है। कौन दिया? नानी। हाँ छोड़ दो, अब नानी दी है। और देंगी आपको चिप्स नानी, जब नानी के पास जाओगे ना तभी देंगी, नानी वहां से नहीं भिजवाएंगी आपको। बाहर बहुत तेज आज बारिश हो रही है। तो कल ये ब्लॉग कंप्लीट नहीं हो पाया था, थोड़ा सा आज मैंने दोपहर का ऐड कर दिया है। तो ये मैं चिप्स फ्राई कर रही हूँ और खाना तो मेरा बन ही चुका है, तो हम लोग अभी लंच कर लेंगे। और बाहर ऐसी बारिश हो रही है पूछो नहीं, मतलब रुक ही नहीं रही है, कंटिन्यू बारिश है। सुबह सुबह ना भींगते भींगते गए हैं ऑफिस। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को इन करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। बाय।